नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयुर्यार्णम नमो वज्रायार्णम नमो लोय समसाम। प्राकृत भाषा सुनने का पहला सौभाग्य महिलाओं को होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो प्राकृत में ही रोता है। इसीलिए लेडीज यहाँ पर ज्यादा है विद्यार्थियों में, और पुरुष वर्ग कम है। सरस्वती का ही एक रूप है, उसे भी हम स्त्रीलिंग में याद करते हैं सरस्वती, और उसको अवधारण करने के लिए बहनें ही ज्यादा दिखाई दे रही हैं, उनका सौभाग्य है। आप क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में, वो संबंधित थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन लोग। सीधे सीधे पहले विषय की चर्चा करें। मैं तो प्राकृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, संस्कृत का भी नहीं हूँ, कॉमर्स में मैं रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने एमए भी किया फिलोसफी से। वो तो एक साइड की चीज थी। मैं जिस संबंध में चर्चा करूंगा, काफी शोध प्रबंध पढ़ने का अवसर मिलता है मुझे, पढ़ा भी है मैंने, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं होता। रत्नाकर कवि हुए, रत्नाकर कवि जिन्होंने भरतेश वैभव लिखा, वो भरतेश वैभव वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ। तो उन्हीं के साथ उन्हीं के एक क्लास मेट थे, वो संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा। ये समझिए कि वो काव्य शायद आज तक भी मुश्किल से 100-200 लोगों के द्वारा पढ़ा गया, लेकिन रत्नाकर बहुत पढ़ा गया, खूब छपा, खूब पढ़ा गया। इसी बात पर इन दोनों में एक जेलेसी भी हुई, रत्नाकर कवि के बीच में और एक वो जो लेखक था, उसका नाम है लेकिन मुझे याद नहीं अभी, क्यों फेमस ही नहीं है, हम नाम भी बताएंगे तो आपको याद नहीं आएगा। और दक्षिण का भारत का है, यदि मैं कुछ नाम भी बोल दूंगा तो आप सही मान लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो उन लोगों में जेलेसी बहुत हुई। रत्नाकर का भरतेश वैभव हाथी पर निकाला गया, मैंने बड़ा सम्मान प्राप्त किया, और उनका नहीं निकाला गया तो उन्हें इसमें बड़ी जेलेसी थी। वे बहुत चाहते थे मेरा महाकाव्य एकदम इतिहास सृजित करेगा तो वो उस पर निकलना चाहिए। खैर, लंबी चौड़ी रामायण करने से फायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस प्रकरण को यदि कोई जानना चाहे, नहीं तो उनका एक उपन्यास है रत्नाकर नाम का, उपन्यास हिंदी में छपा हुआ है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है कहीं। आप लोग चूंकि इस क्षेत्र में है, श्री ब्रह्मैया जी का लिखा हुआ है, मिल जाए तो जरूर उसके पता लगाना चाहिए, उसको प्रकाशन होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया उपन्यास है वो, ब्रह्मैया जी का करके हो, रत्नाकर नाम से उनका उपन्यास है रत्नाकर कवि के बारे में। इसमें इनका पूरा जीवन वृत्तांत दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया है, मुझे बहुत मजा आया। मैं 2 बार पढ़ा इसको उपन्यास को, और तीसरी बार मैंने सोचा था इसकी फोटो कॉपी करा करके मैं आगे प्रकाशित कराऊं, लेकिन वो तीसरी बार वो मुझे लाइब्रेरी से गायब हो गया। चलिए, अपन मूल बात ये करते कि ये बात मैं क्यों याद करी मैंने रत्नाकर वाली बात, कि ऐसे हमारे जो साहित्य होता है ना, शोधार्थियों का काम है कि इसको जनप्रिय बना दिया जाए, लोकप्रिय बना दिया जाए। शोधार्थी का ये बहुत बड़ा काम है। पीएचडी मिलना नहीं मिलना ये इतना बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमें। उससे मान लो आप जॉब में चले जाएंगे तो हो सकता है 4-5 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मुझे भी बहुत प्रलोभन दिया कि आप पीएचडी कर लो तो आपको 4-5 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, लेकिन हम उस उद्देश्य से नहीं करें। मैं चाहता हूं कि आप जो भी शोध कार्य करें उसको अप्लाइड कर दें बस। भाषा कोई सी भी हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई सी हो, लेकिन उसको अप्लाइड होना चाहिए। मैं चूंकि विद्वान नहीं हूं संस्कृत प्राकृत किसी विषय का, मैंने तो केवल अपने हित के लिए थोड़ा सा अध्ययन किया था, चूंकि कॉलेज में प्रोफेसर था तो यहां भी बोलने का योग बन गया सीधा सीधा। तो अक्सर ही मेरे बारे में और दूसरे विद्वानों के बारे में जो तुलना होती है तो लोगों को यही लगता है कि ये फेमस क्यों हो रहे। तो मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूं कि मैं सिद्धांतों को बुकिस नहीं करना चाहता, मैं उनको अप्लाइड अध्यात्म के रूप में प्रयोग करना चाहता। यदि हम अप्लाइड, जैसे इकोनॉमिक्स होती है, अप्लाइड कंप्यूटर होता है, अप्लाइड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यदि हम अपने प्राकृत को अप्लाइड करते हैं उसको, तो हम अप्लाई तो कर सकें।
यदि मैं अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर वो जनप्रिय भी नहीं हो सकता, लोकप्रिय भी नहीं हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, ओ मैं प्राकृत कर गया था, हो सकता है दूसरों से मैं जेलेसी करूं, इनको प्राकृत कुछ नहीं आती, प्राकृत में बहुत बड़ा हिस्टोरिक है, इतना काम हुआ है, आउटस्टैंडिंग बढ़िया काम हुआ है, आप कह सकते हो, लेकिन आपको मजा नहीं आए। सीधी बात यह है कि हमारा इलाज होना चाहिए, हमारा और सभी का, ये इसकी मुख्यता है। तो मेरी शैली वही की वही रही सारी सारी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जब भी कभी बात हुई है, तो आपका कोई भी काम हो, किसी भी ग्रंथ को लेकर हो, किसी भी भाषा को लेकर हो, मुझे इससे कुछ नहीं कहना, मुझे सभी को एक ही बात कहनी है कि उसमें कोई अप्लाइड हो। अप्लाइड का मतलब मैं सिंपल से कहूँ, सपोज हमारे सामने ट्रंप बैठे हों और वो आपसे पूछें कि हमारे यहाँ जो भी स्ट्रेस पैदा हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लिए आपका प्राकृत में क्या कहते हो, आपका जैन धर्म क्या कहता है, इसका क्या इलाज है, आप इसमें कोई नए आविष्कार करेंगे या आपके पास यूनिवर्सल अनादि अनंत कोई सॉल्यूशन है, ये उनका क्वेश्चन है मान लो। तो आप इस पर काम करिए कि आपकी आपका जो लिखा हुआ हो वो ट्रंप पढ़ने के लिए विवश हो जाए। एक 16 साल का विद्यार्थी ग्वालियर का है, अंकुर नाम है उसका, 16 साल का, लेकिन कंप्यूटर में उसका बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग काम है, उसने बहुत लिखी है, बुक्स लिखी है। जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, किसी को शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उस समय वहां के राष्ट्रपति ने उस बेटे से बात की, अंकुर से, क्या आप हमारी वेबसाइट, क्योंकि वहां की वो एक चार जगह बम अटैक हुए थे, चार अटैक हुए थे, एक उनका सेना का स्थान था, तो उन्होंने ये पूछा था कि हमारी कोई वेबसाइट्स होती हैं, हमारी सारी चीजें होती हैं, इनको हैकिंग करने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। मुझे बड़ा गर्व है, प्राउड होता है इस बात के लिए, उस बच्चे ने उनका दिल जीता और उसने काम किया है, और फिर अमेरिका बुलाएगा उस बच्चे को, 16 साल का, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने उसने वो जो हैकिंग कैसे रोकी जा सकती है ये बताने के लिए उस बच्चे का काम में लिए। मैं चाहता हूं मजा जब आए कि ट्रंप आपसे पूछे, जापान का राष्ट्रपति आपसे पूछे। जिस समय 92 में बाबरी मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे थे पूरे इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जगह जगह बड़े दंगे फसाद हुए, बहुत बड़े दंगे फसाद हुए। मैंने भोपाल में आजादी के समय भी इतना बड़ा कर्फ्यू नहीं लगा भोपाल में उस समय, जिस समय इतना बड़ा कर्फ्यू उस दंगे के समय लगा, मैं उस वहां था उस समय, रिकॉर्ड तोड़ कर्फ्यू हुआ। ऐसे समय में आप यदि टेलीविजन देख रहे हो जो लोग, उन्हें पता होगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने अच्छे अच्छे अध्यात्म के प्रवक्ता थे, उनमें हमारे डॉक्टर हुमचंद बहादुर जी भी शामिल है, वे जयपुर टेलीविजन स्टेशन पर आए और उन्होंने उनके भाषण कई बार रिपीट किए, उन्हें बुलाया गया और भी विद्वानों को बुलाया गया, अन्य मतावलंबियों को भी बुलाया गया। मेरा मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसी विराट प्रॉब्लम होती है तो दर्शन ही शरण है, आध्यात्मिक सिद्धांत ही शरण है। अभी जब से हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला केस, इसके बाद पूरा अमेरिका डिप्रेशन में डूबा हुआ था, लोग घबराए हुए थे, भयंकर घबराए हुए थे, सारे तरह के उपाय किए गए, सेना से लेकर के जो जो कर सकते वो सब किया उन्होंने। लेकिन आप यदि आज वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो स्टैंड फॉर फॉरगिवनेस, इस पर बहुत काम हो रहा है, काम करवाया गया वहां पर, बाकी यूनिवर्सिटियों में काम करवाएगा, फॉरगिवनेस कैसे आए, उत्तम क्षमा कैसे आए, इस पर बहुत पीएचडी हुई, बहुत काम हुआ। आज भी आप स्टैंड इसके ऊपर जाकर के देखेंगे तो आपको वेबसाइट पर बहुत माल मिलेगा, मैंने बहुत, मैं चाहता हूं कि उसमें हमारा कितना योगदान, यदि उन्होंने स्टैंड लिया है स्टैंड फॉर फॉरगिवनेस तो हमने क्या किया। मजा ये आना चाहिए, उस समय कॉम्पिटिशन में हमें आगे आना चाहिए, तब आपका विश्वविद्यालय का नाम बहुत रोशन होगा। मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है, हम इस पर एक वर्कशॉप करें फॉरगिवनेस पर, और फिर हम ही सब मिल करके तैयारियां करें, कॉम्पिटेटिव स्टडी करें, और फिर हम उसके समाधान दें। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं दर्शन विभाग में, खुद जब मैं दर्शन में लिया था तो मैंने सबसे अटेंड की, मुझे इस बात का दुख होता था कि वे लोग, क्षमा करना, वे लोग बुकिस थे। जैसे एक चेतना की थ्योरी है, वेस्टर्न थ्योरी में एक चेतना की थ्योरी है, वो क्वेश्चन हर साल आता है पेपर में एमए के अंदर, हर साल आता है वो, मुझे इतना नाम तो याद नहीं है, डेकार्त की या जिसकी किसी की थ्योरी, चेतना थ्योरी वेस्टर्न फिलोसफी में, लेकिन हाँ, तो वो चेतना के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है हमारी यूनिवर्सिटी में, वहां
अब मेरे को बोलो तो 30 साल करीब हो गए, बहुत ज्यादा तो लाइफ में ज्यादा काम नहीं आया। तो चेतना, कमाल की बात है कि उस चेतना के ऊपर ना तो हमारी कॉलेज में उसका लेक्चर हुआ, लेक्चर ही नहीं हुआ। हमने प्रोफेसरों से पूछा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछा, इसके बारे में थ्योरी क्या है। चेतना से चूंकि मैं परिचित हूं अपने जैन दर्शन से, वहां मेरे को परिचय नहीं। वो उन्होंने 1.5 पेज का एक आंसर सीधा लिखा हुआ दे दिया, आप इसे रट लो और ऐसा नहीं ऐसा वहां लिखकर आ जाना, आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें से 10, 11, 12 नंबर मिल जाएंगे। ये उनका जवाब था। मुझे इस बात का दुख था कि 5 व्यक्तियों का स्टाफ था हमारे यहाँ, अच्छा डिपार्टमेंट था, बढ़िया फिलोसफी डिपार्टमेंट, और वहां ऐसे इस बात पर कुछ डिस्कस करने वाला ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं खुद इसे याद करने में मुझे कठिन लग रहा था। वो मैंने उसको 5-6 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा तो ही मुझे कठिन लग रहा था। तो फिर मेरे जो और भी क्लासमेट थे, उन 4-5 क्लासमेट को मैंने उसे 5 बार पढ़ाया, उन्हें पढ़ाने के चक्कर में फिर मुझे याद गया। तो मुझे कहना यह है कि उनसे मुझे ये समझ में आया था कि ऐसे बुकिस मानते हैं, आप तो पढ़ लो, रट लो, गांधी फिलोसफी ऐसा गीता बस छुट्टी, और इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, इतने पेपर आओ। मैं इस बात के लिए बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हमारा पूरे इंडिया में दर्शन विभाग, संस्कृत, प्राकृत ये पिछड़ रहा है। लोग इसको ट्रेडिशनल समझ रहे हैं, लोगों को इसे पढ़ने में गौरव अनुभव नहीं होता, लोगों को लगता नहीं कि इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन है। हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें लगता है कंप्यूटर में है, इंग्लिश में है। जिस तरह से इंग्लिश पांव पसार रही उसमें आपका आप कहीं खड़े ही नहीं है, समझिए। इसीलिए वो बुकिस होकर रह गया। अब मान लो अपन लोग बैठे 20 लोग, ऐसे जब कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो अपर लेवल पर हो जाती है, नीचे वालों तक पहुंचती नहीं वो चीज। मैंने भी सेमिनार अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, मैंने सुनकर के कई बार ऐसा लगता है लाटनू से आए, यहां से आए, वहां से आए, तो उनको हाई क्लास का लेक्चर देना है, उन्हें ये लगता है कि इन लोगों के सामने मेरा लेक्चर फीका नहीं होना चाहिए। तो धड़ाधड़ प्राकृत की गाथाएं सुना रहे हैं, संस्कृत सुना रहे, फला सुना रहे, रेफरेंस सुना रहे, लेकिन लोग ऐसे ऐसे बैठे क्यों? सुबह से शाम तक 3 सेशन में चलना है और झेलना सबको है। आखिरी सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट अपना वैल्यू मिले। हर आदमी कहता है हमने 25 जगह बोल दिया है, 38 जगह बोल दिया है, देखो जापान में बोल के आए, फ्रांस में बोल के आए। अब जापान वालों ने कितना समझा मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं समझा आपके सेमिनार में कुछ। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी होती है अपने बहुत बड़ी, मद्रास में भी एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई सल्लेखना के ऊपर, उस समय में वहां था, जापान से लोग आए, बाहर से काफी जगह से आए, लेकिन कमाल की बात थी कितने लोग समझ रहे थे मुझे नहीं पता। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि वो इतना अधिक बुकिस था कि जो वक्ता गण थे वही श्रोता थे, श्रोता कोई अलग से नहीं थे ज्यादा, लेकिन वो श्रोता बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि समाधि में और आत्महत्या में क्या अंतर है। और मेरा लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन, तो मैंने यही दुख व्यक्त किया कि इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, करीब 40-42 लोगों ने लेक्चर दिए होंगे, देश विदेश के बहुत सारे लोग आए थे, तो क्या अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि आत्महत्या और समाधि में कोई अंतर है? तो फिर मैंने उनको करीब 24-25 अंतर एक बार फिर बताया इन द एंड ऑफ द सेशन, मैंने फिर पूरा बताया उनको, पर्दे में बताया मैंने। ये जब अंतर है, यदि अभी नहीं तो हम ही कंफ्यूज जाएंगे। यदि मैं अभी आज कहूँ ना मैं सल्लेखना ले रहा हूँ, बोलो मत, कानून अपराध है, मैंने इसका मतलब हम ही अपने आप को बचा नहीं सकते, प्लीड नहीं कर सकते, तो हमें प्लीड करना आना चाहिए। मेरी बात आप थोड़े से इशारे में समझ गए होंगे कि हमारा जो भी शोध हो वो इतना अधिक पॉपुलर तब होगा जब आम पब्लिक उसे पढ़ सके, समझ सके। और जैन दर्शन का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, जैन दर्शन अकेले ही नहीं, यदि आप मेरे से कहो ना तो मैं ऐसे नाम बताऊं आपको जो वर्ल्ड के सारे दर्शनों में पाए जाते हैं, क्योंकि आप यदि सांप्रदायिक करेंगे तो शायद आम पब्लिक उसे नहीं पढ़ेगी, लेकिन जब आप यूनिवर्सल लैंग्वेज में देंगे, यूनिवर्सल पॉइंट्स देंगे, तो वो तो हर कोई एडमिट होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हमें चाहता हूं कि इस तरह का काम अपना होना चाहिए। मैंने अभी 2-4 सब्जेक्ट में से कभी एक सब्जेक्ट की चर्चा कर रहा हूं। जब भी मेरे से पूछते हैं शोधार्थी कि हम क्या करें, मैंने हमें शोध करना है तो किस पर करें, बहुत सारे विषय बताते हैं लोग, मैं सोचता हूं, उन्हें बताता भी हूं, तो मैं एक सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है आपको लगे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसके पूरे चैप्टर्स बताता हूं कैसे बनाया जा सकता है। आपके जो भी शोध हो या शोध की दिशा हो, मैं शोध के सब्जेक्ट बदलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन डायरेक्शन बदलने के लिए जरूर कहूंगा।
क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं किसी को फिर डायरेक्ट करें भविष्य में पीएचडी करने के लिए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जरूर। इस ग्लोबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जैन दर्शन, चार अनियोग, जो भी आप एक नाम रख लें, ग्लोबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ जैनिज्म, अब जो आपको नाम रखना रखो, मुझे नहीं मालूम। मद्रास यूनिवर्सिटी में जब मैंने एक बात कही तो वहां से एक बच्ची ने सप्तभंग पर एक पीएचडी की है, एक्सेप्ट होने वाली है, बस उसे की सप्तभंग के ऊपर, नहीं अलग ही चेन्नई, तो वो चेन्नई की बच्ची जो उसने किया है वो काम आप देखेंगे अभी भविष्य में, जिस तरह से उसको गाइड किया उसने, उसको अप्लाई किया सप्तभंग पर, अप्लाइड काम करना है उसका बहुत अच्छा काम होगा, वो सामने आएगा। ऐसे में और भी आपको सब्जेक्ट, जैसे एक भगवान आत्मा, भगवान आत्मा द्वादशान की धुरी, सेंटर पॉइंट ऑफ, ये सेंटर बेस ऑफ सबका पूरा, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। भगवान आत्मा चारों अनियोग को उसे रिलेट करके दिखाया जा सकता है। अभी जैन समाज में भी चार अनियोग चार टुकड़े जैसा दिखाई देता है, इसलिए लोग, जो लोग मुमुक्षु हैं, मैं मुमुक्षु कह रहा हूं खास करके, तो वे पूरा का पूरा चार अनियोग में से द्रव्यानी ऊपर ज्यादा वजन देते हैं, जबकि मुनि पक्ष होगा वो चरणानियों को ज्यादा वजन देता दिखाई देगा। उन्हें लगता ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति की चार शेडों का नाम, क्या बोला मैंने, एक ही व्यक्ति की चार शेडों का नाम है चार अनियोग। आप जब बोलते भी है ना, उसमें चार अनियोग ढूंढे जा सकते हैं। मैं खड़ा भी होता हूं यहां से तो मेरे चार अनियोग ढूंढे जा सकते हैं। मैं यदि भोजन भी करता हूं तो उसमें चार अनियोग ढूंढा जा सकता है। मैंने इतना अधिक अप्लाइड कर दिया जाए उसको, अब करो आप चार अनियोग को पीएचडी कर डालो, बहुत अच्छे बड़े आराम से कर लोगे। मैं सारे सब चैप्टर बता दूंगा आपको, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन, तो ग्लोबल प्रॉब्लम क्या चीज है बोल दूंगा आपको पूरा, एक मिनट लगेगा मुझे, ज्यादा नहीं लगेगा। ग्लोबल प्रॉब्लम टोटली कितनी है और उनके कारण क्या है और उनके समाधान क्या है। ग्लोबल प्रॉब्लम, कारण, समाधान, ठीक। देखो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम का मूल बेस है चार कसा है, चार कसा ये दिखाई नहीं देती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिक है लेकिन ये दिखाई नहीं देती, डेप्थ में पड़ी है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती चार कसा है। और ये चार कसाई का जो प्रेजेंटेशन है, दिखाई देने वाला रूप, एक्सप्रेस होता है, जो एक्सपोज होता है, उसका नाम है पांच पाप। और पांच पाप का जो एडिक्शन है वो है सप्त व्यसन। इट इज टोटल प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम्स के कारण, क्रिएटिंग प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का बेस है चार कसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये पूरा का पूरा वर्ल्ड की हमने पूरी आपको बता दी। अब ये यूनिवर्सल है, ये तीसरा है, आप चाहें तो इसके ऊपर किसी भी संप्रदाय में जाकर भी काम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप जाकर के देखिए अच्छी तरह से, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पांच पापों की चर्चा सब जगह मिलेगी आपको। लेकिन चार कसाई की चर्चा जो डेप्थ जैन दर्शन में मिलेगा वो डेप्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती ना उसका एनालिसिस हर आदमी करता है, लेकिन चार कसाई का एनालिसिस नहीं कर सकते आप। झूठ को पकड़ने की मशीन बना ही सकते हैं आप, लाई डिटेक्टर, लेकिन मान डिटेक्टर कैसे बनाएंगे, माया डिटेक्टर कैसे बनाएंगे, कसाई का डिटेक्टर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, ये अंदर पाई जाती। अब आपके पास यूनिवर्सल बहुत यूनिक चीज है, वो है चार कसाई। चार कसाई की चर्चा में से, अजैनों को तो छोड़ो, मैं जैनों के बारे में कह रहा हूं, जैनों में भी 99% को चार कसाई का सही स्वरूप नहीं मालूम। आप मेरे से कहो बेटे तपिश, तो मैं कहूंगा बेटे अभी समाज के बीच में चार कसाय पर काम करने की बहुत जरूरत है। मैं चोरी अकेले के ऊपर पूरी पीएचडी करवा सकता हूं, कर सकता हूं, चोरी अकेले के ऊपर, ओनली चोरी। अब सोचेंगे ना उसको फैलाएंगे ये बात। जैसे आप देखें, आप सबसे मैं पूछूं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप में से लगभग एक क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, पंडित जी गुस्सा बहुत आता है, नहीं गलत कह रहे हैं, जरा इंग्लिश में बोलेंगे थोड़ा इधर उधर बदल बोल के, तो थोड़े सही समझदार होगे तो फिर ये पूछोगे कि मेरे को इरिटेशन बहुत आता है। सही समझदार होगे तो आप उसका क्रोध को इंग्लिश में सही नाम तो दूसरा है, लेकिन आप वो नहीं बोलेंगे, आप इरिटेट बोलेंगे, आजकल फेमस है वो। अब मैं पूछता हूं कि जो एंग्रीनेस है और जो इरिटेशन है वो दोनों जमीन आसमान का फर्क है। इरिटेशन आदमी में जरूर होना चाहिए, वो मोक्ष मार्ग का घातक नहीं है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन एंग्रीनेस है वो बहुत खराब चीज, बहुत ही खतरनाक चीज है। अब इन दोनों में अभी डिफाइन करूंगा तो फिर एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा।
उसे तो मैं नहीं समझाऊंगा, इसलिए तो आप सोच लेना शाम को अलग से प्रवचन। तो मैं तो जो बात कह रहा हूं वो समझो। तो क्रोध के बारे में सब पूछ, लेकिन कौन पूछता है मुझे मायाचारी बहुत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी, वाइटल प्रॉब्लम किसी को नहीं होती वाइटल प्रॉब्लम, मायाचारी के लिए कौन पूछे, लोभ के लिए कौन पूछे, मुझे लोभ का साहब बहुत है, पंडित जी बचाओ मुझे बताओ, मैं लोभ से बहुत हैरान, क्रोध से सब हैरान है। इसका मतलब क्या कह रहा है तपिस सर कि चार कसाय को हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं यदि प्रूव करूंगा तो चार कसाय भयंकर चीज, स्ट्रेस के बेसिक कारण है चार। आप चाहो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक बहुत अच्छा पूरा का पूरा पीएचडी कर सकते हो, मैं उसके पूरे आपको लेक्चर भी दे दूंगा और पॉइंट भी दे दूंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आज बहुत जरूरत है, और हाथ हाथ दिखेगी बुक, आप एक दिन में करोड़ों डॉलर कमा लोगे, एक दिन मतलब एक साल में कमा लोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आप सेना को लेकर के लिखिए, पुलिस में को लेकर देख के, आप 6 महीने नहीं तो 2 महीने पुलिस डिपार्टमेंट जाइए, मैं खुद बता दी हम किस स्ट्रेस में जी रहे हैं। आप उन पर अध्ययन कर लो और फिर हमारे सॉल्यूशन दे दो उनको। आपकी बुक पुलिस डिपार्टमेंट में, फोर्स में, विदेश में, सब जगह चली जाएगी। आप एक बुक भर लिख दो केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने क्या कहा आप समझ गए होंगे, हम अप्लाइड कोई काम देंगे। मुझे दुख है इस बात का कि हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे, आम पब्लिक के लिए नहीं कर पा रहे। अभी भी ऐसा लगता है कि महिलाएं क्यों करती हैं ये कोर्स, कि चलो जिनके घर में थोड़ी सुविधा है तो खा पी लिया बना लिया, चलो इसका थोड़ा पढ़ ले। और कई बार प्रेशर भी करते हैं, मैं जानता हूं कि चेन्नई में तो फीस तो लगती है उनकी थोड़ी सी, शायद पता नहीं 500-700 रुपये 1400 रुपये, और 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये उन्हें स्कॉलरशिप मिलती उल्टी। हाँ चेन्नई में ऐसा है कि मुझसे 1400 रुपये कितनी फीस है पढ़ाई की एमए करने की, और उससे डबल क्या 10 टाइम उनको स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि उन्हें जो ब्रांच है उनकी क्या कहलाती बेंच है उसको बचाए रखना है। तो उसके लिए जैन और नॉन जैन में से सब में से कोशिश करते हैं तुम किसी तरह पढ़ो, पर पास हम करवा देंगे, चिंता नहीं करो किसी तरह से काम करवा देंगे, आप करो ताकि हमारी सीट बची रहे, विभाग जीवित रहे। हाँ विभाग जीवित ये वहां की प्रॉब्लम, और वहां पर एक दिगंबर जैन कर रहे हैं, वहां श्वेतांबर जैन कर रहे हैं वहां पर। मैं मिलता हूं हर साल जाता हूं, तो मुझे तो जो आपसे कहना वो मुझे ये कहना है आप शोध की डायरेक्शन ये रखें। चलिए चार का साय ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, पांच पाप व्यक्त है, इसलिए सारे धर्मों में जाएंगे आपको, कोई धर्म ऐसा नहीं जो इसका निषेध कर दे। अमेरिका में भी जितने राष्ट्रपति बनते हैं यदि सबसे बड़ा ब्लेम लगता है तो कुशील का ब्लेम लगता है उनका, कि इनकी कोई ऐसी थी, कोई क्लिक थी, कोई फला थी, कोई अफेयर केस था, एक वो पता नहीं व्हाइट वाटर गेट कांड हुआ था, कौन सा कांड हुआ था उसमें, तो उसको सीट छोड़नी पड़ी थी राष्ट्रपति को इंग्लैंड में। मैंने इसका मतलब क्या निकला, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बड़ी है, उनको चार कसा है पांच पाप, और इनका जो एडिक्शन है बिगड़ा हुआ रूप है वो सप्तवेशन। अब इसके लिए जैन शासन क्या कहता है इनसे बचने के लिए, इस स्ट्रेस से बचने की कथा क्या है वो? तो जैन शासन कहता है कि आप पांच अणुव्रत लीजिए, बल्कि पांच अणुव्रत नहीं, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन कीजिए, सम्यक दर्शन के बाद अणुव्रत, और फिर इसके बाद महाव्रत। जैसे ही आपके महाव्रत कंप्लीट होते तो यथाख्याचारित और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने यू आर विनर, आप ओलंपिक विजेता हो गए, जीत गए, अब आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, आनंद काल के लिए आप आनंद करिए बस। अब ये हमें प्रूव करने की जरूरत है इसकी, इनके सारे चैप्टर बन जाएंगे, तो अणुव्रत के बन जाएंगे, महाव्रत के बन जाएंगे, फला बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं चाहता हूं जैसा अभी लिखा हुआ है, मैं उसका एप्लीकेशन चाहता हूं कि एक मुस्लिम व्यक्ति क्यों पढ़े इस अणुव्रत को, एक हिंदू सिख ईसाई क्यों पढ़े महाव्रतों को, क्यों पढ़े। अब हम क्या करते हैं जनरली, जब हम काम करते हैं ना तो हमारी एक बाउंडेशन होती है, जब भी हम महाव्रत सिद्ध करने जाएंगे तो हमें 28 मूल गुण उठा के लाएंगे, बस यहीं से हमारे दरवाजे बंद हो गए, हम उनको ये नहीं कह पाएंगे महाव्रत एक्चुअली चीज क्या है, हम उसे अंदर से नहीं जोड़ पाते, हम उसे बाहर से जोड़ते हैं बस, पूरे बुक में अब वो नहीं पढ़ी जाएगी, आप ही नहीं पढ़ोगे, शास्त्रीय व्याख्या हो जाएगी। हाँ मेरा मतलब है कि आप जो हमारे, फिर कहता हूं आपको, जैन दर्शन में आपको नाम ही मालूम है बत्थु सहाबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव माने यूनिवर्सल ट्रूथ, अनचेंजेबल ट्रूथ, नबडी कैन चेंज, गॉड आल्सो कांट चेंज। अनंत सिद्ध भगवान की जोड़ लगा दी ना, अनंत अनंत वीर, अनंत वीर मल्टीप्लाई अनंत वीर, तो अभी यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं बदल सकते। इसका क्या मतलब, अमेरिका में भी वही ट्रूथ है, इंडिया में भी वही ट्रूथ है, और नक्सलाइट एरिया में भी वही ट्रूथ है। आप नक्सलाइट एरिया में जा सकते हैं काम करने, बोले और ही बापरे, पहले ही भाई भी थे। इसका मतलब हमें खुद ही नहीं पता कि यूनिवर्सल ट्रूथ के बल पे जा सकते,
और आप कभी काम देखें, जो लोग गए वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बल पर गए, नक्सलाइट एरिया में नहीं गए, ऐसा नहीं, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या सोचते हैं, अपन तो एसी में बैठे हो, एक खराब शब्द बोल रहा हूँ, जब भी हमारे सेमिनार होते थे भोपाल में तो हमारे प्रोफेसर लोग अच्छा अच्छा लेक्चर देते थे, बहुत सारे हुए, तो फिर बाद में हम आते थे, सर आज आपने बात तो बहुत बढ़िया कही लेकिन आप अप्लाई तो करते ही नहीं। अरे देखो भाई जैन साहब, कॉन्फ्रेंस होती है गाल बजाने के लिए। मुझे इट्स रियली बड़ा दुख हुआ कि एक हमारे महान, जिनको बच्चे आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, एक प्रोफेसर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वो आइडियल बात इतनी बड़ी की और वहां कोई मतलब नहीं। हमें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम वाकई में बच्चों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, समाज के बारे में कुछ सोच रहे हैं, और रियली यदि लाखों रुपए खर्च हो रही कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है लाखों रुपए खर्च होती। मेरे को चेन्नई से जो आ रहा था तो हमारे सिविल था विदिशा में, तो वहां के एचओडी बोले आप कहें तो आपके सिविल के लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ पेमेंट करवाते। मैंने क्यों, क्या आपके यहां इस तरह का अधिकृत है कुछ? नहीं नहीं अधिकृत तो नहीं, लेकिन हम एडजस्ट कर देंगे। मैंने रियली आपके सामने कह रहा हूं ये बात, उनसे मैंने ये बात कही, मैं इलीगल एक पैसा भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आप किस तरह से कर सकते हो, पैसा किस तरह से निकलवा सकते हो, किस तरह से फर्जी बिल किसके नाम पे लगा दोगे, और कैसे हमको पेमेंट करा सकते हो 51,000, 1,000, 11,000, इससे कोई मतलब नहीं, नहीं करे, हमने मना कर दिया, नहीं चाहिए हमें पैसा। इसका मतलब समझ गए मैं क्या कह गया, कुछ बहुत बड़ी बात कह गया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा एचओडी, आप भाई साहब। मैंने आज पंडित साहब का आशीर्वाद लिया आपके बीच में आने के पहले, तो उन्होंने एक बात कही सभी के लिए, एक ही बात कही ना, ज्ञान दान में ईमानदार रहें। आपके पास इतनी करुणा होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड करुणा होगी तो आप लिख पाएंगे अच्छा, यदि वर्ल्ड वाइड करुणा नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। यदि आपको लगता है कि किताब लिखना बहुत सरल है, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए लिखना बहुत सरल है, मैं बता दूंगा आपको, केवल आपको एक काम करना, कंप्यूटर खोलो, कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट छट्टी, इसके बाद ना तो कोई सुनता है ना समझता है। आपका 30 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम, 15 मिनट जितने दिए जाते हैं आप पढ़े जाओ, उसमें से मिल जाएगी आपको, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं आप लोग अपना समय का, प्रतिभा का, तन धन का जो भी सदुपयोग करें इस क्षेत्र में करें। जैसे मान चलो मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछूं, मेरे से आप यदि सेमिनार करवाओगे ना तो मेरे सेमिनार बिल्कुल अलग प्रकार के होंगे। आप सब मिलो, मैं आपसे पूछूंगा 8 साल के बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में आप क्या सजेशन करें, करो सेमिनार इसके ऊपर। 14 साल के बच्चे के लिए आप क्या बोलोगे, 14 साल की एक बच्ची है वो इस जिस एज से गुजर रही है उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या बताएंगे? चलो आप समाज के लिए छोड़ दो, आप अपनी बच्ची के लिए क्या बताओगे? मैं ये जानता हूं आज भी बच्चों में यदि कैरेक्टर लूज हो रहा है तो मम्मी पापा के कारण हो रहा है। एक मम्मी ये नहीं जानती कि मेरी बेटी 12-14 साल की है तो किन परिणामों से गुजर रही है, इसको हम बच्चों से कैसे बचाएंगे, मोबाइल से कैसे बचाएंगे, गलत संगति से कैसे बचाएंगे, और इसकी थॉट जो नई नई जिज्ञासाएं हो रही हैं फिजिकली उसको हम क्या सॉल्यूशन देंगे, उन्हें पता ही नहीं कुछ। बस ज्यादा हुआ तो शर्मा जाएंगे, हेजिटेशन हो जाएगी, ज्यादा हुआ तो 90% मम्मी एक काम करे, चुप पड़ेगा, एक ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं जाते, उधर क्यों खड़ी है, बाल ऐसे क्यों कर रही तू, 90% मम्मी का सॉल्यूशन ये है। मैं नहीं समझता हूं कि हम सब की बात कर रहा हूं, हम बच्चों को क्या सॉल्यूशन देंगे डे टू डे लाइफ में। हो सकता है हमारे रिलेटिव, हमारे मम्मी पापा या हमारे ही क्या कहना है ब्रदर इन लॉ ऐसा बिजनेस करते हो और स्ट्रेस में जी रहे हो, तो फिर आपके रिलेटिव होने का क्या फायदा उसे? मैंने आपके ही ब्रदर इन लॉ मैंने जीजा जी, और वो स्ट्रेस में जी रहे क्यों, ये गलत बिजनेस कर रहे थे, बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था उदयपुर वालों ने, आया आज अखबार में करोड़ों रुपए लेके बैठ गए, आज ही आए बाबा। तो आप क्यों नहीं बताते कि रातों रात अरबपति नहीं हुआ जाता, बिना परिश्रम के कोई अमीर नहीं हो जाता। आज दूसरे का केस छप रहा, कल आपके अखबार में आपके बच्चे का, आपकी बच्ची का, आपके पिताजी का, आपके जीजाजी का कोई भी केस छपेगा विजय माल्या जैसा, तो फिर क्या होगा? तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने एक बुक भी बताई थी, जैन समाज के एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, उनका नाम है महात्मा भगवान दीन, इनकी बुक वर्ल्ड वाइड चलती है महात्मा भगवान दीन की बुक, और उसका नाम बहुत सिंपल है, माता पिताओं से।
और चैरिटी साइकोलॉजी पर इतनी बढ़िया बुक है, पढ़ने लायक किताब है, लेकिन अपन नहीं देखते। हमारा मतलब ये है कि ऐसे काम होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात कहूं, चाहे वो भाषा से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्राकृत का हो चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, बेसिक जो कंसेप्ट है, हाइपोथीसिस है, जो बेसिक जो हमारे सिद्धांत हैं, वो ऐसे हैं जैसे किचन में रखे हुए रॉ मटेरियल, दाल चावल शक्कर घी तेल नमक मिर्ची हल्दी, ऐसा है। अब आप बताओ, आज घर में दो लोग बीमार हैं, इसी मटेरियल में से आप कैसा भोजन बनाएंगे वो स्वस्थ हो जाए? आज उस सब का दिन है, इसी मटेरियल, इसी रॉ मटेरियल में से आप कैसा उसको कॉम्बिनेशन करें कि एक टेस्टी रसोई तैयार हो जाए, सब कहें अरे आज मजा आ गया, आज का दिन नहीं भूलेंगे, आज पोंगल है, आपको आना चाहिए। तो जैसे हमें रसोई बना करके परोसना आना चाहिए, ऐसा ही हमारा काम है। जैन दर्शन के सिद्धांत हों, या मैं फिर कह रहा हूं, मैं जैन दर्शन भी नहीं कहना चाहता इसे, जैन दर्शन के वे सिद्धांत हैं जो यूनिवर्सल है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन मर्म नहीं बदल सकता। हम उनका अध्ययन भी करें और उसको इस तरह से परोसें कि वो सॉल्यूशन मिल जाए। तो फिर से एक बात कह रहा हूं कि बच्चों की प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, लेडीज की प्रॉब्लम है, जैसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेस है। आप वैसे सब लगभग दो चार ही लोग बड़े दिख रहे हैं, एक आध की बहू आ गई हो तो आ गई हो नहीं भी आई होगी, ऐसा ही होगा लगभग लगभग। तो आप बता सकते हो, आप सबको कॉन्फिडेंस है कि आपकी बहू बहुत अच्छी आई? तो इस मैनेजमेंट पे कौन सोचेगा, इस स्ट्रेस पे कौन सोचेगा कि मेरा बेटा जब 25 साल का होगा 22 साल का होगा तो वो बहू आएगी, वो कैसी आएगी, वो कैसे कपड़े वाली होगी, कैसे रसोई बनाने वाली होगी कि नहीं होगी, या मम्मी का हर प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे सॉल्व करेगी क्या करेगी? तो बदलते पर, मैंने फिर क्या कहा था, जो हमारे सिद्धांत है यूनिवर्सल है, ये सामयिक नहीं है कि माभी के जमाने में एप्लीकेबल थे आज नहीं है, या फ्यूचर में नहीं, ये एप्लीकेबल ऐसे नहीं है। ऐसे आप उनमें देखिए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो नई है, केवल हमारा प्रेजेंटेशन हमें चाहिए। तो आप बताओ इसके बारे में आपने क्या सोचा? स्ट्रेस मैनेजमेंट पर इतना बड़ा काम है, यदि आप सब भी मिलकर लिखोगे ना तो भी काम खत्म नहीं हुआ, इतना बड़ा काम है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। वो हमारे पास से आना चाहिए, वे लोग जो आते हैं ना रविशंकर या जो जो आते हैं जो, और मुझे तो इतना दुख होता है देखकर के, हमारे बच्चे आप पता लगाओ, अपने बच्चे रोबोट को पढ़ रही है, फ्राइड को पढ़ रही है, जाने कौन कौन की बुक पढ़ रही है, मेरे पास आके कहते पंडित जी आपने बुक नहीं पढ़ी होगी, मेरे बेटे तुमने महावीर को नहीं पढ़ा इसलिए पसंद कर रहा है। सही, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं। मैं हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात लग सकती है आपको, मुझे सच में ऐसा भाव आता था कि यदि ओसो मेरे सामने होता तो मैं जरूर उसे क्रॉस करता, लेकिन ओशो ने तो जिन सूत्र लिख के एकदम स्पष्ट कर दिया कि जैनिज्म बेस्ट है। हाँ, किया ही है, तो उसके जो अंग हैं, हाँ, वो लेकिन जो भी और बातें हुई और बातें भी की और बातें, हमारा मतलब है जब आप यूनिफाइड हो और आप यूनिवर्सल हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन पकड़नी चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए, सीधा जाइए ना। ठीक है, आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, इथिक्स भी बहुत अच्छा है, मान लो बहुत अच्छा हो सकता, क्योंकि लॉजिक और इथिक इतनी दो चीज आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओ लेकिन उसका सदुपयोग आना चाहिए। मुझे ओशो के लिए बात नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग हमारे पास दी बेस्ट है। मैं तो ये चाह रहा हूं आप लोग बहुत जल्दी इसमें काम करो, और आप यदि करोगे ना तो मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइन भी करूंगा कि आप अपनी वीडियो बनवा के डालो, यूट्यूब पे डालो, आप कोई भी प्रॉब्लम न्यूज़पेपर पढ़ते हो इस पर आप अपने विचार पहले चार लोगों को चर्चा करो, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखो उसकी और फिर बढ़िया उसकी वीडियो बनाओ और डालो, करो ना, सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज आप चाहें ये नहीं समझिए कि जापान में संस्कृत नहीं जानते लोग, जापान में संस्कृत बहुत अच्छी जानते। इंदौर में मैं था, जापान के कपल आए, फिलोसफी डिपार्टमेंट के कपल, तो उन अब वो चूंकि मेरे से मिले तो मेरे से उन्होंने सबसे पहले बात कही, वी कैन टॉक इन संस्कृत थ्रू आउटली, तो फिर मुझे क्या, सॉरी आई एम सॉरी आई डोंट नो संस्कृत वेरी वेल एंड इंग्लिश आल्सो, हिंदी में भी बोल सकता हूँ, बड़ा मुश्किल। उनकी संस्कृत देखने लायक थी, धारा प्रवाह,
मैंने ये बिल्कुल नहीं सोची कि विदेशों में संस्कृत नहीं है, बहुत है। तो आप यदि संस्कृत में बोल के बताएं, हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, आप तो फैल जाएं। मैं रियल कह रहा हूँ, इस समय इतना अच्छा मैं फील कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में आके कि आप में से एक भी सैनिक ऐसा नहीं होना चाहिए पीएचडी कर ली और धूल खा ली। जब कोई आया तो आपने कहा हमने पीएचडी की थी, अच्छा उसे कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया आपको। मैंने पीएचडी हमारा श्रृंगार नहीं बनना चाहिए, हमारी वाणी विश्व का श्रृंगार बन जाना चाहिए। मैंने हम इसको बुकिश नहीं करें, मेरा सीधा सीधा मतलब आप समझ गए होंगे। तो आप कोई भी टॉपिक यदि देंगे तो मैं इस तरह से बात करूंगा। तो एक मैं 7-8 चैप्टर बता दी इसके, बड़े आराम से 10 चैप्टर बनेंगे इसमें, ग्लोबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कारण समस्या और समाधान, बस हो गया। अब चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, हमें इंग्लिश आती नहीं, संस्कृत भी आती नहीं। नागपुर में राकेश जी, हाँ राकेश जी, हाँ हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, वो अंडर में लाडनू से किया। उनका विषय था प्रायश्चित, अतिचार और प्रायश्चित, हाँ, जैन संविधान के संदर्भ में। उन्होंने जैन संविधान लिया, ये नहीं कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे आचार शास्त्र है वो नहीं कहा, जैन संविधान, क्योंकि वो संविधान भले शास्त्रों का हो लेकिन ऐसी परिधि में उसको हम मान्यता देते हैं कि जो हमारा लिखित संविधान जो भारत सरकार का है उससे भी ज्यादा कड़े नियम इसके हैं। बहुत बड़ी, बिल्कुल सही। और बाकी में इतने अच्छे हैं कि फिर ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी। फिर से समझ आए क्या सर ने क्या कहा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं, प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं हो, ऐसा संविधान है। एक दो बार ऐसी स्थिति बनी उस समय, उन्होंने सर्वे किया था, उन्हीं के साथ कुछ बात रखी थी और कुछ क्वेश्चनर रखे थे, तो उनको ये कहा गया कि आप इस विषय पे उजागर क्यों कर रहे हैं। तो ये हुआ कि नहीं, हम इसको उजागर करने की दृष्टि से नहीं है, न कोई क्रिटिसाइज करने की दृष्टि से, लेकिन हम उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है संविधान का, हमारे जैन संविधान का, उसको हम लाना चाह रहे हैं ताकि जो हमारा नियम कहता है, जो हमारे धर्म कहता है, उसकी सुरक्षा हो सके। बराबर, इस बात को लेके ये हुआ था। ऐसे पंडित जी, आपने जो कहा कषाय को लेके, एक विषय यहाँ दिया गया है, कषाय और उसके उससे मुक्ति के उपाय, ये विषय मतलब काम अब होगा, अभी विषय आवंटित हुआ है। एक ऐसे ही प्रश्न जिज्ञासा आ रही है कि भगवती आराधना में एक जगह आता है कि जो पांच प्रकार के मरण हैं, उनमें जो पांचवा मरण है पंडित मरण, वो 12वें गुणस्थान वर्ती और केवलियों के होता है, जबकि मरण तो 12वें गुणस्थान में है नहीं, तो आचार्य का ये दृष्टिकोण क्या कहना चाहिए कि 12वें गुणस्थान को उन्होंने उद्धृत किया, एक ही जिज्ञासा है। दूसरी एक कुंद आचार्य के और उनके टीकाकारों के ऊपर जिज्ञासा बन रही है कि आचार्य कुंद जिनको हम लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास का मानते हैं और इसकी टीकाएं लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के समय लिखी गई, इतना क्या अंतराल बीता कि उसके पहले कोई आचार्य कुंद पर कोई टीका ही नहीं लिखी गई, इसका क्या कुछ शास्त्रीय आधार है क्या, तो इस पर थोड़ा सा हमें चर्चा करना चाहिए। एक तो संविधान की बात आई, पहले उसी में मुझे याद है तो बात कह दें, आप सबको याद होगा जैसे मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, ऐसे जैनों का एक पर्सनल लॉ लिखा गया है बैरिस्टर चंपतराय जी के द्वारा, और वह बुक महावीर जी में अवेलेबल है। मैं तो इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं, जब भी संविधान में संशोधन वगैरह की बात आती है तो वे संविधान में संशोधन करने क्यों पड़ रहे हैं, और उस समय हमारे संविधान में क्या यूनिवर्सल संविधान लिखा हुआ है। यदि इस तरह कोई कंपेरेटिव स्टडी कर करके बताना शुरू कर दे तो आज भी वो छा जाए इन चीजों में। आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, पत्रिकाओं में लिख सकते हैं, नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय संविधान है उसमें तो चेंज होते हैं, जबकि जैन लॉ में कभी संशोधन नहीं होता। तो उन्होंने इतना बढ़िया लिखा, वो हमें प्रूफ करना चाहिए। अब दिक्कत हम स्टडी का विषय नहीं बनाते उसे, और उसे प्रूफ भी नहीं करते, तो हमारी चीजें हमारे अंदर ही रखी रह जाती है। तो शोधार्थियों का भी एक काम है, यदि कोई कर सके तो उस पर्सनल लॉ को भी देखें और पूरे यूनिवर्सल के लिए क्या लिखा है वो देखें। अब प्रश्न आ गए अपनी, एक तो जो गुणस्थान की बात है, एक्चुअली क्या है, हम तो मरण नहीं कहकर उसे निर्वाण कहना ज्यादा अच्छा समझते, लेकिन 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 वो मरण शब्द क्यों है, क्योंकि देह का छूटने का नाम ही मरण है। अब अलग वो चौथे गुण 14 गुणस्थान के बाद हो चाहे 12वें गुणस्थान के बाद हो,
तो उसे देह छूटने के नाम को मरण कह करके ही वो सारी बात है। बारहवें गुणस्थान का मरण तो होता नहीं, लेकिन बारहवें गुणस्थान से स्टार्ट होकर के चौदहवें गुणस्थान के एंड में जो देह छूटती है उसको पूरे को जोड़ करके संग्रह ने इसे इकट्ठा किया। गुणस्थानों का एक संग्रह नहीं होता, क्लासिफाइड कर देते हैं उसको, तो इस तरह से होता है वो। लेकिन वो बारहवें गुणस्थान का भी मरण होता नहीं, लेकिन बारहवें के बाद जितने मरण है, चाहे भले वो चौदहवें के एंड में हो, क्योंकि बारहवें के बाद जो भी मरण होगा वो चौदहवें के एंड में ही होगा, इसके पहले तो होना नहीं। तो इसीलिए वहां पर उसको मरण संज्ञा शामिल की गई। अब रही बात जो टीकाकार की बात है, इसके मामले में तो एक टीम पीएचडी है बढ़िया, आचार्य कुनकुंद और उनकी टीकाकार, उसमें इसके संबंध में काफी जानकारी मिल सकती है। नहीं, अपनी एक सिद्धांत प्रभा टडैया, एक इनकी भी है, तो सिद्धांत प्रभा टडैया ने इस पर काम किया है। उन्होंने अमृतचंद आचार्य कौन-कौन के जो टीकाकार हैं, जयसेन और भी टीकाकार हैं, उन सब टीकाकार का परिचय उसमें लिया है, तो उसे देखा जा सकता है। रही बात एक सबसे बड़ी बात कि मैं थोड़ी सी बात करूं, आचार्य कुनकुन का जो भी साहित्य था वो मात्र प्राकृत में नहीं था, ये उसकी एक कठिनाई और भी थी, वो ओल्ड कन्नड़ में था, उसकी जो लिपि है ना वो ओल्ड कन्नड़ थी, मैंने ये इसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी। नहीं, लिपि कन्नड़ होगी लेकिन भाषा तो प्राकृत थी। नहीं, बता तो रहा हूँ, लिपि के कह रहा हूँ, वो लिपि कन्नड़ होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे भारत से कट गई वो भाषा। हाँ, तो जो उत्तर भारत में और इधर उधर थे उनने वो पढ़ी तक नहीं। अब वो जब कन्नड़ से ट्रांसलेट होकर के आई है देवनागरी, तब जाकर वो फेमस हुई, नहीं तो इसके बीच फेमस नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको क्या कहूँ, ये काम किन पवित्र क्षणों में हो गया होगा और हम तक आगे समय से आ रहा थी, ये कोई अद्भुत अद्भुत बात है। जैसे गंधहस्ती महाभाष्य है, नाम मात्र ही हमारे सुनने को मिलता है, तो ऐसी कुछ टीका यदि हुई भी होंगी कन्नड़ में, तो आप कर्नाटक में जाकर देखिए 99% समाज पढ़ाई लिखाई से अछूती, वहां का 95% जितना भी वो जैन समाज है वो सारे के सारे फार्मर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते पूरे, उन लोगों ने शास्त्र पढ़े ही नहीं। यदि मैं आपको बताऊं, समय सार जी 2000 वर्षों में मुश्किल है 100 लोगों ने भी पढ़ा हो कन्नड़ भाषा वालों के लिए, कन्नड़ क्षेत्र में ही, शराबों की बातें छोड़ दो, साधुओं की बात कर रहा हूँ, मैंने 100 लोगों ने भी पढ़ा हो 2000 वर्ष में, तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात। लेकिन 2000 में से जो ब्रिलियंट थे उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन वे खोती रही, क्योंकि उनको संभालते हम तब है जब उनकी महिमा आती है, और महिमा तब आती है जब हम पढ़ते हैं। अब वो साहित्य को पढ़ा ही नहीं गया, आज भी हम नहीं कह सकते हैं, आज की तारीख में ओल्ड कन्नड़ का एक भी ज्ञाता नहीं है। जब ओल्ड कन्नड़ से वर्तमान की कन्नड़ में ट्रांसलेट करने का काम हुआ, और वो काम करने के लिए बीच में बहुत बड़े बड़े व्यवधान आए, लंबी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं आपको, MB पाटिल, उन्होंने वर्तमान कन्नड़ में इसको ट्रांसलेट किया, वर्तमान कन्नड़ में, और आज की तारीख में पूरे कर्नाटक में पढ़ा जा रहा है। सेडवाल के थे MB पाटिल, इन्होंने अपनी लाइफ में एक दिन भी बिजनेस नहीं किया, जिस दिन इन्हें समय सार हाथ लगा 1977-78 की बात है, इसके बाद इस व्यक्ति ने अपना बिजनेस नहीं किया, 18-18 घंटे बैठ करके लिखा, समय सार जी जैसे इतना मोटा ग्रंथ टोटली ट्रांसलेटेड विद इन 4 मंथ, छपाने में 16 मंथ लगे, लेकिन लिखने में 4 महीने लगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, ओनली सिंगल सिटिंग, भोजन, अब जब कोई व्यक्ति 18 घंटे लिखेगा तो भोजन कैसे पचाएगा, आदमी श्रीमद राजचंद जी जैसा ऐसा हो गया था, उनके अंगूठे की हड्डी, इधर का मांस सूख चुका था, इधर का मांस, हड्डी हड्डी लगी थी, जैसे जब ये उठे थे ना 4 महीने बाद उठे थे जब काम करने के बाद, तो उनके बैक साइड से खून झर रहा था, फफोले पड़ गए थे, इतना बड़ा। आज की तारीख में यदि कर्नाटक में जैन धर्म पुनर्जीवित किया है तो इस एक व्यक्ति ने किया, उन्होंने बहुत काम किया, 5वां परमागम का ट्रांसलेशन, जितना जितना वर्तमान का, बहुत मेरे पास लिस्ट है पूरी उनके ग्रंथों की, उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन, मैंने वर्तमान में, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, जहाँ ओल्ड कन्नड़ में लिखे गए थे लिपि, वो वर्तमान लिपि में लाने के काम उन्होंने बहुत जोरदार किया। तो ऐसा ही काम अभी आपके सिर पर है, ये समझो आप। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ लेडीज डिपार्टमेंट ज्यादा है, मैंने एक दुखती नस पकड़ी आपकी, पीएचडी करके मत रखना, उसके बाद इसको आप फैलाना।
आगे बढ़ाना। एक घंटा पर डे दे सकते हो, दो घंटा दे सकते हो तो दो। और फिर एक बात कहता हूँ, हमारी इसे पढ़ने का मतलब तब सार्थक होगा जब हमारी सोच ब्लाइंड फॉलोअर ना हो। ब्लाइंड फॉलोअर का मतलब समझते हो, ये बहुत दुखद बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ब्लाइंड फॉलोअरशिप की बात कर रहा हूँ। हम पढ़ते इसे हैं लेकिन सोचते क्रिश्चियन जैसा है। कुछ कहा मैंने? हम ड्रेस कोड के मामले में, ड्रेस सेंस के मामले में, खाने पीने के सेंस के मामले में हम पूरा का पूरा वही वेस्टर्न को अपना लेते हैं। हमने कह रहे अपना लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपका थॉट में इस मामले में नहीं होना चाहिए। आपको जगह से हटकर के सोचना चाहिए। न्यूज़पेपर में आपको जगह से हटकर सोचना चाहिए। टेलीविजन में आप अच्छे से अच्छे कार्यक्रम दो, उसे हटकर के सोचो। ऐसा मत सोचो नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, चलेगा। पिक्चरों के मामले में आप देखें, ऐसे ऐसे कार्यक्रम कार्य हुए, ऐसी पिक्चर ही बनाई गई जो दुनिया से हटकर थी और फेमस हुई। हर सेक्टर में आपका जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, सोधा हुआ ज्ञान है, इसका डायरेक्शन मिलना चाहिए। चलिए, और अपनी जिज्ञासा कुछ रखना चाहें? मैंने तो घड़ी नहीं रखी आज, पता भी नहीं लगा मुझे टाइम कितना। अभी 3:10 हुआ, 3:10 हो गए। पंडित जी का मैंने कर्म सिद्धांत पर कार्य किया। अच्छा, तो मैंने सामाजिक तो निकाल लिया। हाँ। और उसमें नैतिक भी निकाला। हाँ। और मतलब सभी चीजों का निकाला, लेकिन इसमें ना मेरा एक चीज रह गई कि जो कर्म है वह उनकी कर्मों की जो आर्थिक मीमांसा है वो कैसे होती है? आर्थिक मीमांसा, कर्म की आर्थिक प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। हाँ, आर्थिक। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए अध्यात्म का एक ही सूत्र लगाना है, निमित्त नैमित्तिक। जैसे हम निमित्त नैमित्तिक इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, वे सारे निकलते चले जाएंगे। साता वेदनी आदि को जोड़ेंगे, सीधे निकलते चले जाएंगे। ज्ञानावरण आदि कर्मों में, ज्ञानावरण, ज्ञानावरण तो बहुत जबरदस्त है। वर्ल्ड वाइड ज्ञान का ही रोल है इकोनॉमी के रोल में। दिमाग ही नहीं होगा तो कमाएगा कहां से हो? जी इतने बड़े विज्ञान कैसे करेगा जी? बिना ज्ञान, यदि ज्ञानवर्णी का छपसम नहीं हो तो पंखा कैसे बनाएगा, कंप्यूटर कैसे बनाएगा, मोबाइल कैसे चलाएगा? चलाएगा भी कैसे, बनाएगा कैसे, दो ही बात है। तो ज्ञानवर्णी का तो इकोनॉमी के रूप में बहुत बड़ा काम हो गया। तो पर्यावरण क्षेत्र, पर्यावरण सब में, ये वर्ल्ड वाइड, जैसे पूरे दूध में शक्कर डलती है ना, घुल जाती है, ऐसे ज्ञान के बिना पर्यावरण को कैसे समझोगे, कैसे सुरक्षित करोगे? और सही बात बताएं, जितने, सॉरी मैं प्रवचन में ढोर शब्द बोलता हूँ थोड़ा, जैसे मैं पहले ही सॉरी बोल दिया। वास्तव में जिनमें अक्कल नहीं है वही पर्यावरण बिगाड़ते हैं। जिनके पास छोसम ठीक नहीं है ना, ज्ञानावरणी कर्म छोसम ठीक नहीं, वे लोग बिगाड़ रहे हैं सारा सारा। और गजब कमाल की बात है कि वो साइंस के नाम पर बिगाड़ रहे, विकास के नाम पर बिगाड़ रहे, दुख तो इस बात का है। तो बहुत बड़ा काम होगा इसमें, तो जबरदस्त लिखो, ज्ञानावरणी पे एक पीएचडी हो जाएगी। नहीं रियली डेप्थ में जाइए। एक काम करो, आप तो सप्लीमेंट्री काम करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सप्लीमेंट्री करी हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा। कर्म की औद्गलिकता को हम किसी को कहना चाहें तो कैसे बता पाएंगे? कर्म पुद्गल है, चेतन नहीं है, इसका मतलब पुद्गल तो है, लेकिन उसको अगर हम किसी को कहना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें कि ये पुद्गल है और पुद्गल के जो लक्षण होते हैं गलन सड़न आदि, वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? एक ये मतलब इनकी थीसिस में पार्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं अभी इस पर भी मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, मिला भी मुझे, लेकिन वो साहित्यिक भाषा है सारी, तो मैं वैसे तो नहीं बता रहा हूँ आपको, चाहोगे तो खोजोगे तो मिल जाएगा। मैंने उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 22 प्रकार की वो 6 भेद है ना, स्थूल स्थूल सूक्ष्म सब ऐसे भी सारे सारे, उनको इम्प्लीमेंट करने में आप जितने सक्सेस हो जाएंगे उतने ही उसे समझाने में सफल हो जाएंगे। यदि आप सूक्ष्म स्थूल 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 सूक्ष्म ये नहीं समझा पाए तो फिर आप इस बात को कभी नहीं समझा पाए। तो आप पूरी पूरी ताकत पहले उनकी जो सिक्स क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिक्स क्लासिफिकेशन को मैंने सिद्ध करने के लिए टाइम लगाई, जितना आप करेंगे उसके बल पर उसे समझा पाएंगे। मैंने सीधे सीधे किसी बुक में इसके फार्मूले नहीं मिलेंगे कि इस तरह से सिद्ध हो जाएगा, नहीं है सही। तो आप इस सिक्स क्लासिफिकेशन का आचार्यों ने इसके विषय में ज्यादा एक्सप्लेन किया, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन सिद्धांतता जो बात है वो तो है ही है, लेकिन उसको हम जनरल वे में आज के संदर्भ में बिल्कुल एक्सप्लेन करें, उसके लिए आचार्यों ने कुछ नहीं कहा, नहीं सिद्धांत दे दिया। देखो बहुत सिंपल सी बात है, उनकी जो सिद्धांत है ना वो एप्लीकेबल है। मैं जो सिंपल सी बात करूं, आप वायु को पुद्गल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यदि आप वायु को पुद्गल मान रहे तो ये समझाना बहुत सरल है। फिर ऑक्सीजन है या नहीं यहाँ पर, यदि ये सिद्ध कर सकते हैं हम, तो फिर हम ज्ञानवर्णी कर्म जो 8 कर्म है उनकी भी पौद्गलिकता सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो विजिबल और इनविजिबल है।
अब इनविजिबल फैक्टर है तो इनविजिबल तो फीलिंग किया जा सकती है, और इनविजिबल को सिद्ध करने के लिए होता है निमित्त नैमित्तिक, और कोई फैक्टर नहीं हमारे पास। निमित्त नैमित्तिक से हम सिद्ध करेंगे इस कमरे में ऑक्सीजन है क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो इनविजिबल को ऐसा करेंगे। अब सिंपल सी बात देखिए, जब जैसे हम वायु को सिद्ध करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, वायु यहां पर खराब हो जाए तो हम एक्सपायर हो सकते हैं, तो यहां पुद्गल का सड़न गलन पता लग गया हमको कि ये पुद्गल एक्सपायर हो गया, यहां पर सड़ गया है, व्यय को प्राप्त हो रहा है, तो सड़ रही है, बदबू आ रही है, तो ये हमने उत्पाद व्यय सिद्ध किया, उसमें सड़ना रूप, गलन रूप, और फिर इसको हमने प्यूरिफाई कर लिया, पानी का प्यूरिफाई कर लिया, गटर का पानी आया था उसको हमने रिसाइकिल कर लिया। तो जैसे हम पानी को रिसाइकिल कर रहे हैं, ऐसे ही आठ कर्मों को हम रिसाइकिल करते हैं, ऐसे सिद्ध करेंगे आप बड़े आराम से। तो जैसे मैं दो एग्जांपल दे दिए, ऐसे इसमें घटते चले आए। ज्ञान काम करते करते भी काम नहीं करता, तो क्यों नहीं कर रहा? यदि निमित्त निमित्त से देखिए तो वह छह अवसर में कुछ ना कुछ हुआ है निमित्त निमित्त, तो हमारा ज्ञान भी काम नहीं करता। हम बोलते बोलते भी नहीं बोल पाते, सोचते सोचते नहीं सोच पाते, और कई बार तुम्हारा बहुत अच्छा विषय तैयार होता है हम नहीं बोल पाते, और कई बार नजर कहां कहां से आता चला जाता है हम बोलते चले जाते हैं। इसका क्या मतलब निकला कि निमित्त निमित्त है उसमें साथ। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें एक पीएचडी हो सकती है, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया, पूरा इतना चैप्टर है इसमें। जैसे आप पूछ रहे, सबसे बड़ी बात है कि आचार्य देव ने इसको जीव और अजीव क्यों कहा, केवल इतने से बात समझाने के लिए आप पूरी पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर क्या, हमें बुकिस थ्योरी नहीं देनी है, हमने एक्चुअली शोध क्यों होता है कि जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आई ना उसके सॉल्यूशन में हम रेफरेंस इकट्ठा करें, इसका नाम शोध कार्य। तो अब इसमें आप देखो जीव और अजीव कहने का अभिप्राय क्या रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस। तो अब हम सारे आचार्यों को लेकर इसमें रखें, सबसे बड़ी बात है मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अभी सात तत्व बोलूं या मैं उंगलियों पर, ये भी एक पीएचडी का सब्जेक्ट है सात तत्व, बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग सोचते हैं कि पीएचडी करना पड़ा, कहां से लाएं सब्जेक्ट, तो कैसे करें, ऐसा नहीं है, बहुत सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे। देखो मैं जीव हूं, अब जीव की डेफिनेशन क्या है, जो ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन अविनाभावी होता है, तो सुख चारित्र वीर अनंत शक्तियां ये सब इधर आ गए, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर अनंत, बराबर। अब यहां चलो अजीव, अजीव माने जिसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र नहीं है, बस इतने से फैक्टर पे बहुत काम हो सकता है। इसका क्या मतलब, यदि मैं कहूं क्यों कैसा कुर्ता पहन के आया, आपको शर्म नहीं आती, आपने इसके बारे में कहा है इसमें मेरा सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, आपने इसकी बुराई की, ओ मजा आ गया, स्ट्रेस फ्री। महिलाओं को दुखी करना हो तो किसी पार्टी में इतना सा बोल दो साड़ी जच नहीं है, बस अब उसको खाने का मजा गया, पीने का मजा गया, सब गया, अब उसी उसी में सोचती, अरे ढोर, अब ढोर बोल दिया मैंने। एक्चुअली क्या संस्कृत में पशु बोलते ना, पशु, वो दो को एक देखे इसका नाम पशु, ऐसा वो संस्कृत पूरा बोलते पश्यति पशु, दो को एक देखे इसलिए पशु, वो इसलिए मेरे वो चौदह कलश आया ना, चौदह कलश समय सार जी में परिचय मां पशु ही पशु बोला, इसलिए मेरे को याद ही हो गया वो ढोर। तो भाई सीधी सी बात है, इसने कपड़े के बारे में कुछ कहा है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा, मेरे ज्ञान दर्शन, आप यदि बोले कपड़ा खराब है, अब खराब है तो है, मेरा क्या है इसमें, मेरा ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित नहीं, सुख नहीं, आपको मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात बता दी इतनी देर में। लोग मैंने क्या करते हैं, चश्मा, चश्मा एक मजबूरी है कि आंख से देखना है, लेकिन नहीं, चश्मे की फ्रेम के बारे में कोई कुछ ना कहे, नहीं नहीं फिर उसका कवर के बारे में भी कोई कुछ ना कहे, अरे गजब हो गया, फिर मालूम निकालने की भी स्टाइल उसके बारे में कोई कुछ ना कहे, फिर लगाने के बारे में, यदि मैं ऐसे लगाता ना यहां बैठकर, तो अब लोग ऐसे नहीं लगाएं, क्यों, कोई क्या कहेगा, अरे भाई मुझे ऐसी अनुकूल है तो मैं ऐसे लगा लूंगा, उसमें क्या दिक्कत, लालू प्रसाद ऐसे लटका के रखता है तो लटका के रखता, उसमें क्या दिक्कत। मेरा मतलब ये है कि ईगो कहां कहां खाता है ये देखो, मैंने आपको मैंने कपड़े की अकेला एग्जांपल ले दिया, एक कपड़े संबंधी असंख्यात लोक प्रमाण मान कसाय का भी एग्जांपल दे दिया, ये है स्ट्रेस। तो जीव अजीव में आप घटाते चले जाओ, चलिए जीव में सुख होने पर भी अजीव की और सुख के आशा से देखता है, इसका नाम आश्रय बल, टोटली टोटली स्ट्रेस पॉइंट।
सुख यहाँ है, सुख यहाँ मानता है, सुख इसलिए यहाँ इसलिए देख रहा है अजीब की ओर इसलिए लक्ष्य कर रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, इकट्ठा करना चाह रहा है, हटाना भी चाह रहा है, वो ध्यान रखना हटाना भी चाह रहा है। साधु लोग जो सम्यक दृष्टि नहीं हो वे इसे हटाने के चक्कर में परेशान, पत्नी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, घर छूट जाए, हे भगवान रोटी छूट जाए, शरीर ही छूट जाए, छूट जाए, मिल नहीं जाए कुछ मिलने की आशा तो जी स्ट्रेस जितने प्रकार के वो यहाँ गए आश्रम बन, और जब हमें अपना सुख अपने में दिखाई दिया, ज्ञान अपने में दिखाई, तो स्ट्रेस फ्री हो गए, संभव नहीं रहा, स्ट्रेस फ्री संभव नहीं रहा। और जब हम टोटली अपने में ज्ञान था, अपने में सुख था और अपने में मग्न हो गए, तो मोक्ष बस साथ हो गए, हो गए, बस कुछ नहीं करना आपको। अब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखो, सात तत्व से स्ट्रेस मैनेजमेंट, सात तत्व से स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, बड़े आराम से कर लो। आप बताओ इसमें कितनी मॉरलिटी निकालनी, बोलो जितनी कहोगे उतनी। एक पंडित जी वर्क हुआ था स्थावर जीवों को लेके, और मतलब स्थावर जीवों की जो शास्त्रीय व्याख्या है वो तो उसमें अलग अलग चैप्टर में थी, लेकिन उन्होंने एक प्रायोगिक रूप रखा कि जो हमारी चेतना में संवेदनाएं होती हैं, जो हमारे परिणमन चेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं स्थावर जीवों में। तो पानी के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच आती है कि पानी में भी संवेदनाएं होती हैं और उसमें भी अलग अलग उसके परिणामों के आधार पर उसका फिगर बनता है, वो भी सचित्र उसमें दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि स्थावर जीव भले एक इंद्री है लेकिन उसमें भी परिणमन होते हैं, वो परिणमन चाहे वो जल का एक जीव हो या वनस्पति हो। उसने एक जगह लिखा अपने जिन सूत्र में कि जब हम पार्क में खड़े खड़े और एक पत्ती तोड़ लेते हैं और मसल के फेंक देते हैं तो उस वनस्पति में भी महसूस होता है, फीलिंग होती है कि आखिर ये आदमी कैसा है कि जो अभी तो मुझे सहला रहा था और अचानक मुझे तोड़ लिया। तो ये स्थावर जीवों में भी हम जैसी ही फीलिंग है, बस ये है कि उनमें चूंकि इंद्रियां कम है इसलिए वो व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन चेतना चूंकि एक जैसी उनमें भी है तो ये एक काम यहाँ पे हुआ था। इस मामले में वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन शायद डॉक्टर अनुपम जी काफी काम, उनकी जो पत्रिका छपती अरहत बचन उसमें काफी इस तरह के लेख, साइंटिफिक जो लेख आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। मैंने पढ़ा तो नहीं ज्यादा, लेकिन जब भी देखी वो पुस्तक मुझे अच्छी लगी, थोड़ा हिस्टोरिकल भी देते हैं, साइंटिफिक देते हैं। और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया है एल सी जेन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। मैंने उनका जो ज्ञान मैं तो चाहता था काश वो अपने विद्यार्थियों को, गोमट साल को खोल के रख दिया, खोल के रख दिया। हाँ बेटी, मेरा स्तोत्र साहित्य के ऊपर काम तुमसे। हाँ बोलो। तो मेरा ये प्रश्न है कि मतलब कई आचार्यों ने तो स्तोत्रों के अंदर भगवान की भक्ति करते हुए उनके अंतरंग गुणों की चर्चा करी, और तभी वही आचार्य या अपर आचार्य दूसरे भी उसी स्तोत्र में भगवान के बाह्य गुणों की चर्चा करते करते वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जो उपचरित भी नहीं है असद्भूत रहे ऐसे गुणों की चर्चा भी करने लगते हैं। करना चाहिए उस समय, कैसे करना ही चाहिए, स्तोत्र की मानकता कैसे बनाना उस समय। बहुत अच्छा, कुछ नहीं, आपको 8 नयों का प्रयोग करके दिखाना है उस समय। अध्यात्म जो निश्चय व्यवहार के 8 नए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कर दें, और सबसे बड़ी चीज है शोध में, बैठ जाइए, शोध में सबसे बड़ी चीज है कारण कार्य मीमांसा और निमित्त नैमित्तिक मीमांसा। ये दो मीमांसा आपको हमेशा आधार देगी, कहीं परेशान होने। मैंने भक्तामय स्तोत्र के प्रवचन किए हैं और टोटली आध्यात्मिक, मैंने उनमें से हर छंद में से पूरा अध्यात्म निकाला, यहाँ तक कि ज्ञान स्वभाव, गेय स्वभाव, वो सब निकाले उनमें से। तो ऐसा नहीं, काम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर इसके लिए आप इतनी मेहनत करना, थोड़ा इस डायरेक्शन में ले जाना। मैंने मजा तो यह है कि लोग जो कि तो स्त्रोत में से वो नीति सूत्र वाक्य जैसा निकाल करके लोग लगाना पसंद करें, इस इतने लेवल तक जाए, और हो सके तो उसमें से सबसे आखिरी में नीति वाक्य अमृत नाम से या जो भी नाम से वो इकट्ठे करके डाल देवे ताकि लोग बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। सोलह कारण भावना, इसमें जैसे हम किसी को समझाना चाहें कि सोलह कारण जो भावनाएं हैं उसका वर्तमान परिपेक्ष में इसकी उपयोगिता क्या है। अब जी तो आपका कहाँ है, नहीं ऐसी करिए जैसे अभी बता दिए, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए। निमित्त निमित्त मीमांसा और कारण कार्य मीमांसा जोड़ोगे तो सारे सोल्यूशन निकलते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सरल है, बहुत अच्छा चैप्टर है सोलह कारण, बहुत अच्छा है। सोलह कारण पर काम बहुत मिलेगा आपको, काम भी मिलेगा, लेकिन जब तक आप इसको चारों नियोग से प्रूव नहीं करेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा। और चारों नियोग का भी फिर वो कह रहे अप्लाइड, यदि नहीं लाएंगे तो फिर वो किस रह जाएगी वो चीज,
बढ़िया, बहुत अच्छा बोल। मेरा प्रश्न छोटा सा है, जैसे शावका चार पर मेरा काम है, सब जगह बताया गया अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत, वो जैसा आपने कहा बुकिश नहीं होना चाहिए, तो हम उसको किस तरह से उसको मॉडिफाई करें कि हम उसको अपनी भाषा में सामने वाले को समझा सकें और उसको अपनी रूटीन पद्धति में उसको सब चीजों को हम ला सकें। बहुत बढ़िया, अच्छा है प्रश्न, लेकिन इसमें वास्तव में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। दो तरह से डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक तो आप जितनी सोसाइटी की स्टडी करेंगे, न्यूज़पेपर की स्टडी करेंगे या जो भी आप देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं अपने मोहल्ले हैं जो भी हैं, आप उन सबको देखोगे और फिर उसे पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक, मैंने एक बात अभी यूज की थी आपके लिए, वैश्विक करुणा, आपके पास करुणा यदि इतनी होगी ना तो आपको अपने आप अंदर से रास्ता निकलता चला जाएगा। रास्ते इसी में से बनने हैं लेकिन करुणा होनी चाहिए। यदि हम सोचे ना 100-200 पुस्तकें देख लें, कई बार मैं देखता भी हूँ, मैंने जो क्या कहलाता है पीएचडी वर्ग से ज्यादा काम का तो वो एनएचआर जोड़ देते पीछे परिशिष्ट, इतने सारी किताबों के नाम लिख देंगे ढेर सारे कि वो कोई देखने वाला भी ना हो। भले से मैं चाहता हूँ कि भले आप रेफरेंस कम लाएं उसके एप्लीकेशन बहुत दें, तो इसमें आप जब करेंगे तो वैश्विक करुणा चाहिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है। जैसे मैं खुद तड़पता हूँ इस बात के लिए तो वो इसलिए मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ, मेरी चाह है कि मैं कुछ कर सकूं अपने बारे में और दूसरों के बारे में, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। तो आप भी इसमें करेंगे तो ऐसे कर लेंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर कभी आप मिलेंगे तो फिर मैं खुद एक कक्षा लेकर दिखाऊंगा उस पर, गुण व्रत शिक्षा व्रत आदि पर, या हमारे पुराने गुरु जी के प्रवचन भी इस पर वो आपको मिल जाएंगे तो आप उसे सुन के देखना। तो 16 ये क्या कहला जो आपका सब्जेक्ट है शराब का चार अणुव्रत महाव्रत, उसका बिल्कुल बता सकते हैं बड़े आराम से। सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज पर्पज, पर्पज क्या है इसका, जैसे आपको पर्पज दिखाई, जैसे आपने कहा ना अणुव्रत महाव्रत, तो पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान है इसमें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के तरीके हैं इसमें। जब ऐसे आप देखेंगे सो ही आप बता दोगे बस, और इसका सबसे पहले इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करो, ये गुणव्रत है क्या चीज, शिक्षा व्रत एक्चुअली है क्या। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं शिक्षा व्रत के बारे में, जब भी हमारे घर में कोई भोजन करने आते हैं मुनिराज या विद्वान या गेस्ट कोई भी आए एक्स वाई जेड कोई भी आए, आप गौर से देखिए आपके बच्चे उन्हें देखते हैं वे कैसे खा रहे हैं। यदि एक गेस्ट आए और बच्चा बाकायदे सेंसिबल होकर खा रहा है, उनके मम्मी पापा अच्छे से खा रहे हैं अच्छे से ले रहे हैं तो बच्चा देखता है। यदि ब्रह्मचारी आए उन्होंने मौनपूर्वक भोजन किया फिर थाली धोकर पी, तो आप देखो उस दिन बच्चा पढ़े होंगे कहता मम्मी मैं भी नमकार में पढ़ूंगा, ये शिक्षा व्रत हो गया। आहार देना एक शिक्षा व्रत है, वो भी ऐसे बैठ फिर वो भी धोके पिएगा मम्मी बहुत मजा आया, हाँ बेटा बहुत बढ़िया। तो आहार जब भी आप कराएंगे किसी को आपको उस दिन बहुत शिक्षाएं मिलेंगी, आपको एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता जिस दिन आहार कराएं और शिक्षा ना मिले कुछ नहीं। तो एक सच्ची घटना सुनाते हैं आपको कि भोजन करने गए और समाज में कहीं शुद्ध भोजन बनता ही नहीं था, तो हमारे एक ब्रह्मचारी भाई वहां भोजन करने गए तो बोले भैया हमारे तो कोई करते नहीं है अब हम कैसे कराएं आपको भोजन, तो बोले कोई बात नहीं छन्ना है आपके पास, हाँ यार बोर का पानी है कि हाँ चलो मेरे साथ, पानी छान दिया तो उन्होंने पानी छानना सीख लिया, पानी इकट्ठा करके अब लाओ बर्तन लाओ और चावल लाओ दाल लाओ, देखो तीन बार धो के जे रख दिया खिचड़ी बन गई अच्छी, अब उसने भर पेट खा लिया आराम से। वो इतने प्रभावित हुए उन ब्रह्मचारी जी से, अरे गजब इतने प्रेम से खा गए वो कुछ कहा भी नहीं, तो वो एक बहुत बड़ी शिक्षा हो गई शांति से भोजन करना मौन से भोजन करना। अब एक भोजन करने गए वो सेंधा नमक की जगह उसमें फिटकरी डाल दी और डल गए वो सारा भोजन मैदा हो गया, चुपचाप खा लिया हमारे ब्रह्मचारी भाई ने चुपचाप खा लिया और घर आ गए। बाद में उन लोगों ने खा और शाम को फिर उनके यहाँ भोजन था, उन्हीं का पंडित जी आपने कुछ बोला ही नहीं, अरे क्या हुआ भोजन तो भोजन था कर लिया कहते। तो इतने प्रभावित हुए कि पूरे गांव में उनकी प्रसिद्धि। तो बच्चे ऐसे सीखते हैं नहीं नहीं कभी कभी नमक मिर्ची कम ज्यादा हो जाए तो भी शांति से खाना चाहिए। तो ये शिक्षा व्रत बहुत है। फिर मान चलो आप परस रहे हो, जब आप परसने में गलती करोगे तो या तो वक्ता बता दिया देखो आपने क्या किया, मालूम क्या किया, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ इस पर, तो 6 घंटे का प्रवचन है मेरा, मैंने भोजन संबंधी चौका संबंधी 6 घंटे का प्रवचन 50-60 पेज तो मैं ही दे दूंगा आपको यदि पीएचडी करना होता। मैं एक बार भोजन करने गए तो बहू थी घूंघट करे हुए, गांव का माहौल था, सो उसने मेरे लिए जो थाली परोसना थी तो उसने जमीन पर कपड़ा रखा हुआ था, मेरी थाली पहुंचने वाले से कपड़ा जमीन पर रख दिया, कोई बात नहीं आता। तो फिर मैंने इशारा किया कि अभी से उठाना मत,
बैठ करके रसोई बना रही थी, पैर थे और जमीन पर रखा था, तो मैंने अमौन हो चुका था, तो मैंने इशारे किया तो ये घबरा, उसने उठा के उसके परात में रख लिया जिसमें आटा रखा हुआ था ना, आटा उसना हुआ आटा रखा, उसने कुछ रख दिया, तो मैंने एकदम ऐसे कर दिया। अब बोलना तो मुझे था नहीं, अब मैंने ऐसे किया तो वो एकदम समझ गई, ओह ये तो सब गड़बड़ हो गई, पंडित जी उठना मत प्लीज, मैं दूसरा आटा ले लेती हूँ। तो बोई का वो यहाँ तो है डब्बे बुला। अब उस दिन उसको शिक्षा मिल गई, ऐसे एक नहीं मैंने बहुत सारी शिक्षाएं कलेक्ट कर दी है। चौका निर्देश के नाम पर मेरे 6 घंटे के प्रोजन है और लिखा भी है मैंने कि हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। तो जब भी हम आहार दान देंगे तो ऐसी शिक्षा व्रत है हमारे बच्चों के लिए, और ये समझना चाहिए हमें आहार दान देने में इतना फायदा है आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसे वैसे का फायदा नहीं बता रहा हूं, बनियों का विशुद्धि का फायदा, शिक्षा व्रत, वो शिक्षा व्रत में लिया उसको आहार दान अतिथि संविवाद। अब इस अंगे से आप उसको एनलॉज करो, आप कितना नहीं लिख सकते हो लोग ऐसे। उसमें जो सामायिक वो भी शिक्षा व्रत है, सामायिक वगैरह में बहुत बड़ी चीज है, समाधि एक बहुत बड़ी शिक्षा व्रत है, संलेखना, समझ में आया आपको कुछ। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विद्यार्थी होता है, मरते समय अंतिम विद्या सीखता है वो विद्यार्थी बन करके, बहुत संलेखना या समाधि, मरना कैसे ये भी हमें सीखने की बात है, वो अंतिम दिन तक हम विद्यार्थी रहेंगे। तो ऐसे आप उसको बढ़ा देंगे बहुत मिलेगा आपको, इस पर तो बहुत काम हो सकता है। गुण व्रत शिक्षा व्रत, गुण व्रत का मतलब जो आपने 5 अणुव्रत लिए उसका मल्टीपल होना, मैंने उसकी मल्टीपल जो विशेषताएं हैं, लाभ है, विशुद्धि है, उसके बढ़ने का नाम है वहां गुण का मतलब, और कोई गुण नहीं, गुण माने मल्टीपल। जो 5 अणुव्रत थे उसका मल्टीपल रूप बदलता चला जाएगा, मैंने अभी आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा था, और मल्टीपल होने के बाद गुण व्रत होने के बाद 1000 गुना, 1,00,000 गुना, 1,00,000,000 गुना, अनंत गुना, इतना लाभ होगा। और फिर शिक्षा व्रत है तो आप देख सकते हो बड़ा अच्छा है। सामायिक का मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, सामायिक आपने किए कभी किसी ने नहीं किया तो करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं आप कभी, तो कंप्यूटर चलाते तो बीच बीच में एरर आती है, एरर। अब जो लोग नहीं समझते ना वो क्या करते हैं, उसको ओके कर देंगे या तो या फिर क्रॉस मार देंगे, जबकि वो कह रहा भाई साहब आपका कंप्यूटर क्रैश मार जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश मार रहा है, समझते समझते कुछ नहीं, किसी ने सिखा दी तुम तो ओके कर दिया करो, उसने ओके कर दिया, उसमें वायरस घुस गए, मुझे पता नहीं लग रहा क्या आ रहा है, मैंने पढ़ना नहीं आता। ऐसे मैं कहता हूं जब भी आप सामायिक करेंगे सारा वर्ल्ड सामायिक से घबराता है, क्योंकि इतनी सारी एरर सामने आती है घबरा जाता है। इससे पंडित जी जब चलते फिरते खाते पीते ना इतने विकल्प नहीं आते, जब सामायिक करने बैठते तो सारे विकल्प उसी समय आएंगे, हम माला फेरने बैठते तो उसी समय सारे विकल्प आएंगे, ये सबकी प्रॉब्लम है नहीं, सारी प्लानिंग आ जाती है। तब मैं इसके लिए कहता हूँ नहीं, ये शिक्षा व्रत है, आप एजुकेटेड हो, अच्छे शिक्षित हो तो आप इसमें शिक्षा लीजिए कि ये विकल्प आ क्यों रहा, इसके डेप्थ में जाइए, कारण कार्य मीमान समझाइए, निमित्त निमित्तिक में चरणा नहीं हुआ और कारण कार्य में द्रव्य नहीं हुआ, आप अंदर चले जाइए, जैसे आप अंदर जाएंगे सॉल्व, अब आपको बढ़ जाएगा, आज मैंने इस विकल्प को जीता, आज मैंने इस विकल्प को जीता, आज मैंने इस एरर को अरेज कर दिया, और मजा ही मजा आएगा। अब सामायिक में एक्चुअली मजा होता है, लेकिन अभी सामायिक 99% लोग जो अज्ञानी हैं उनकी बात करता हूँ, ज्ञानी तो पूज्य हैं, उनकी सामायिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अज्ञानी वो तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा। चूहा आ जाता ना सफेद वाला चूहा, मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, मैंने ऐसा कहा आप एक काम करो मेडिटेशन करो, कोई का भी ध्यान करो 1 मिनट के लिए, किसी का भी ध्यान कर लेना, केवल ज्ञान मैं दे देता हूं, लेकिन 1 मिनट तक सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना। एक मिनट का ध्यान करो, केवल ज्ञान देंगे हम आप, ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे हम आपसे कह रहे आपने आत्मा को लेकर बैठते नहीं सामाजिक, आप आत्मा लेके नहीं बैठते इसलिए मजा नहीं आता आपको, आप लेके बैठते हो 5 इंद्रिय के विषय का साय नहीं सोचने हैं, ये विचार नहीं आने चाहिए, पति का विचार नहीं आना चाहिए, पत्नी का विचार नहीं आना चाहिए, बच्चों का विचार नहीं आना चाहिए, खाने पीने का मीनू नहीं आना चाहिए, अब वही कूदेगा। आप एक काम करो, मैं आत्मा हूं, जिसको आना है आ जा, अब वो जो आए तो देखते रहना, बस मजा करते रहे, जो आता रहे देखते रहे, गए 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 वो गे 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 गए गए गे 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 बने पड़ गया कहा होगी सामायिक, मैंने एरर आती है, मैं ये कह रहा है अब सामाजिक कोई एरर सॉल्व करना नहीं जानता, सामाजिक नहीं कर पाए। चलिए अब मैं थक गया।
चलिए बहुत हाँ बोलो। जो वो तो एक घंटा चाहिए कम से कम। आप एक काम करो, YouTube पे इसका प्रोविजन मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से। चलो ऐसे बता, ज्यादा लंबा तो नहीं दूंगा, दो मिनट में। अनिकांत सियादवाद दी वेस्ट एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है, मुझे तो इतना प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। सबको ही होगा वैसे तो, लेकिन मैं बता दृष्टांत ही दे रहा हूं ना पूरा। अनेकांतात्मक वस्तु ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, चखने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, इनविजिबल है। जो हमारा अनेकांतात्मक सत्य है ना, वो इनविजिबल है। और सियादवाद उसको समझाने की शैली है, मतलब इसको एक्सपोजर जो भी देता है ना, वो देता है सियादवाद। तो ए इनविजिबल, ए विजिबल, मतलब एक्सपोज करने वाला। अब सारी दुनिया इसे तो खूब पढ़ रही है, लेकिन इसे नहीं पढ़ना था, इससे इसको पढ़ना था, क्योंकि ये किसका एक्सपोजर था? अनेकांत। अब यही चूक हो रही है, तो लोग पढ़ खूब रहे हैं लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु को नहीं ग्रहण कर पा रहे, तो इसलिए मात खा रहे। अब अनेकांतात्मक वस्तु अनचेंजेबल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता। भाषा में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। सियादवाद में सबसे ज्यादा उलझन मालूम कौन में? सियादवाद का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाने। यहां एक ही सत्य है और यहां असंख्यात सत्य है। सियादवाद में सबसे बड़ी मिस्टेक ये असंख्यात सत्य है और यहां एक ही सत्य है। अब असंख्यात की पजल में से जो एक सत्य पर आ गया वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, असंख्यात की पजल में से जो एक में समा जाएगा वो मोक्ष में चला जाएगा, जी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब आप कह सकते हो कि असंख्यात सत्य क्यों हो गए इधर, कि असंख्यात लोक प्रमाण जीवों को देखकर, असंख्यात अज्ञानियों को देखकर इसने सब पे करुणा करके इसको समझाने के लिए नाना रूप रखे। सियादवाद ने असंख्यात रूप रखे, नए चक्र में जाके देखिए आप, असंख्यात रूप रखे। समझाना इसे है तो जैसे मैं समझाऊंगा आपको, देखने एक ही दृष्टांत देना मुझे, ये कितने भी रूप रखे लेकिन लड्डू यही खाना है आपको। ये लड्डू रखा मेरे हाथ पर बेसन का, खाना यही है। यहां कुछ भी बोले हम, आपको भूख मिटानी तो खाना इसे है। अब असंख्यात सत्य बता रहा है मुझे, लड्डू को लड्डू कहना ये परम सत्य है, एक सत्य हो गया। लेकिन हम जनरली लड्डू बेसन का कहते ही नहीं कभी। आप मालूम कैसे बोलती है? घर में चार मेंबर हैं, सबने अपना अपना हिस्से का लड्डू खा लिया, एक मेंबर रह गया, तो आप बोलेंगे हस्बैंड का लड्डू है। अब ये हस्बैंड का लड्डू हो गया है बेसन का ही, खाओगे यही, खिलाना यही पड़ेगा, लेकिन आप बोलेंगे हस्बैंड का। हस्बैंड आया, उसको लड्डू दिया, उसने गुस्से में उठा दिया मारा दीवार पर, तुमने 10 रुपए के लड्डू का सत्य नाश कर दिया। अब लड्डू कितने रुपए का हो गया? तो बेसन का था कि हस्बैंड का था कि 10 रुपए का था? अब ये असंख्यात सत्य है। अब थोड़ी देर बाद रोने लगी, वो मेरे पीहर का लड्डू आया था, तुमने सत्य नाश कर दिया। अब वो पीहर का हो गया, बॉम्बे से आया तो बॉम्बे का है, जर्मनी से आया तो जर्मनी। अब कितने हो सकते सत्य, बोला। इसलिए लड्डू एक ही है, ये अनचेंजेबल, लेकिन सत्य बदल जाता है और हर एक में सत्य है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सा है वो आपको ढूंढना है। बस मैं बता रहा हूं आपको, सम्यक दर्शन करने में सबसे बड़ी बाधा है सियादवाद को नहीं समझना, असंख्यात सत्य को सही अप्लाई नहीं कर पाने से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। और नहीं तो सम्यक दर्शन एकदम सरल चिड़िया है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है, वह है बस, है को स्वीकार करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, इतना ही। लड्डू कभी नहीं बोलेगा। मैंने ये अनिकांत सियादवाद का थोड़ा सा समझाया, बहुत है इस पर, अब बाकी आप सुनोगे तो मजा आएगा आपको। मैंने बहुत भावना को यही विषय रखना है पीएचडी का है। चल रहा है, बहुत अच्छा है। आप व्यक्त में चलिए, मेरे से मिलते रहिए बाद में, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताएंगे। इतनी सुंदर चीज, मेरी तो बहुत इच्छा है, कोई शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, भारतीय संगीत में सबसे ज्यादा काम जैनों ने किया है। लेखन का यूनिवर्सल रूप है, इतना सुंदर सुंदर रूप है छंदों में, पद्यों में, मैंने कोई भी कभी ऐसा नहीं हुआ जिसने सारे छंदों का प्रयोग किया हो। लेकिन आप वर्तमान युग की बात कर रहा हूं, जब ये एक्सपायर हो गए, राजमल जी पवैया जी,
उन्होंने एक छंद नहीं छोड़ा, हिंदी साहित्य का, लिटरेचर का कोई सा भी छंद नहीं छोड़ा, सबके प्रयोग करके दिए। और मैंने इस तरह का काम किसी ने नहीं किया आज तक। पूजा पद्धति में भी देखिए कितने अच्छे छंद हैं। मैं दूसरी, अब इसमें सब समझ नहीं आपको, तो आप इसमें डेप्थ में जाइए, बहुत माल मिलेगा आपको। देखो जो लोग ये कहते हैं ना मेरा फोकस नहीं बनता, या कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, या मेडिटेशन नहीं होता, पढ़ने में हमारा उपयोग नहीं लगता, या ध्यान में मन नहीं लगता, उन्हें मैं कहना चाहता हूं आप क्लासिक भक्तियां कीजिए, क्लासिक भक्ति कीजिए, आपका फोकस बनेगा, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, बहुत मजा आएगा आपको। मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी तक, बहुत मजा आएगा। हाँ बोले, जैसे हिंसा की परिभाषा में आचार्य उमा स्वामी ने समत्व योग कहा, आचार्य समत्ववंत स्वामी ने संकल्प हेतु लिया है, और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कसाय योग कहा। पहले तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की चर्चा हुई, लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दो तरह से विभाजन कर दिया कि सौद्रव्य हिंसा और परद्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा पर भाव हिंसा, इस तरह से चार भेद कर दिए। उनका ये आचार्यों की वाणी का अविरोध होती है, जिनवाणी भी अविरोध है, उनको समन्वय किस तरह से, अनेकान शब्दों का फेर है बता दी, अनेकान श्यादवार। आप बेसिक पे चले जाओ कि हिंसा एक्चुअली राग है, राग के भेद करते जाओ आप जितने करना है, तो यहाँ हिंसा लिखो आप, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हिंसा में राग है, ये मैन है। अब इसी राग के आधार से द्वेष होता है, समझ रहे हैं, बता रहा हूँ पूरा, फिर बता रहे हैं, फिर इसके जो प्रकट होने का तरीका है योगात, तो चरणानी को बताना है तो योगात कहा वहां, जब निमित निमित बताना है तो कसायात कहा उसको, ऐसे चलेगा। वो अभी हमने एक बेसिक शब्द दिया है, निमित निमित और कारण कार। बस आप एक काम करो, आप चाहे ना जब कभी इसकी, मैं एक चाह रहा हूँ एक टीकाकार सम्मेलन हो, ऐसे विद्यार्थी बैठे जो टीका करना चाहती है, तो मैं ये पूरा सेशन उनके लिए देना चाह रहा हूँ, टीका कैसे की जाती है। तो आप इसके ऊपर जब लिखने बैठेंगे ना, तो आप असंख्यात भेदों तक फैल सकते हो, आप बढ़िया टीका कर सकते हो। लेकिन बेसिक हमने बता दिया, राग, राग का ही भेद है कसाय, बीच खड़ा हो गया, फिर उनके अंतरंग बहिरंग योग ये वो, हम कह रहे हैं फिर बहुत सारे भेद बनते जाएंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ लिया, लेकिन वहाँ आचार्य समन्वय स्वामी संकल्पात लिया। हाँ कोई बात नहीं, संकल्पात का मतलब था संकल्प नये, नयगम नये, वहाँ नयगम नये का प्रयोग कर लो, इसलिए। और नयगम नये के प्रयोग विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो उसका आप कर सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, मजा आया आप सबके बीच में, मैं तो घर जैसे ही बैठ गया आपके बीच में। इसीलिए हमने पंडित जी यही रखा था कि चर्चा करेंगे ज्यादा, उसमें डिस्कस निकलता है। पांच अनुग्रह है, पांच अनुग्रह इसमें ब्रह्मचर्य अनुग्रह मेहनत करवा, आज की पूरे पढ़े को ब्रह्मचर्य अनुग्रह, आज उसका नाम आप चाहे रख दो। मैंने कभी कहा कि बहुत सारे हर पाठशाला, यदि अपन सब लोग मेहनत करें, मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ पूरे देश में, यूनिवर्सिटी सभी जगह जाना, तो मैं उनके बीच में जो काम कर रहा हूँ उसका सार आपको एक मिनट में बताना है मुझे। शब्दों वैसे कह दीजिए तो सेक्स एजुकेशन, और नहीं तो टीन एजर्स अवेयरनेस सेल, टीन एजर्स अवेयरनेस सेल का गठन की जरूरत बहुत है। आप सब मेहनत करें, मैं भी उसमें सहयोग कर सकता हूँ, मेरा जितना लिखा हुआ है मैं आपको दे सकता हूँ। हम ये चाह रहे हैं यदि आपको शिक्षा विभाग से कहीं संबंध जुड़ता हो, प्राइवेट स्कूलों से संबंध जुड़ता हो, तो आप उसका सहयोग लेकर के निःशुल्क जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, जहां जहां आपका प्रभाव हो वहां जाइए। टीन एजर में जाइए तो मैंने टीन एजर्स अवेयरनेस सेल, अपनी पाठशाला में खोलो बेटे इसको, टीन एजर्स अवेयरनेस सेल। नाम सेक्स थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता तो आप मत बोलो, लेकिन आप अवेयरनेस सेल के नाम पे जा सकते हैं। गर्ल्स स्कूलों में जाइए, गर्ल्स कॉलेजों में जाइए, उसके लिए मैं आपको पूरा मैटर दे सकता हूँ, और आप जरूर ये काम करिए। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत को हम इस रूप में ले जाए, इसको आप पूछ रहे हैं ना अभी अनुव्रत, तो हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत को इस रूप में एनलॉज कर दें कि हम पूरे वर्ल्ड को कुछ दे सकें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये तो पांचों अणुव्रतों के फील्ड में भी हम बिल्कुल इसको इलाज करके ले जा सकते, बिल्कुल यही तो हम चाह रहे थे बस। हाँ, सभी को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में
कानून ये पास किया जाए कि हर साधु संत को सीसीटीवी कैमरे में रहना पड़ेगा। शर्म की बात है। मैंने आज हमें कैमरे का डर लगने लगा लेकिन कर्मों का डर नहीं लगता। अभी जितनी घटनाएं आई पिछले वर्षों में कैमरे की वजह से ओपन हो रही हैं, तो हमें नहीं चाहते, हम चाह रहे इसकी अवेयरनेस बढ़े। अच्छा, अगर तुलसी ने भी किया है और उन्होंने आंदोलन चलाया, उन्होंने सभी के लिए जोड़ ली, सभी के मतलब कर्मचारी जैसे।